हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सियून सिंह दिनकर। तो एक बार हम फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा के विषय में बताने जा रहे हैं आप सभी लोगों को। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका पैसा एपीएस के थ्रू नहीं निकल पा रहा है, तो सभी लोग बड़ा ही परेशान हैं। एक बहुत ही बड़ी ये समस्या है हम सब लोगों के लिए, जो भी ये एपीएस के थ्रू पैसा हम सब लोग निकालते हैं, तो एपीएस के थ्रू पैसा नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए हम सभी लोग क्या करें? तो बहुत ही कठिनाइयाँ आते हैं। हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा कैसे निकाले, सस्पेक्टेड फ्रॉड या मोर देन जो 30 मिनट वाला इरर आता है उससे बचने के लिए हमने बताया था कि एक न्यू डिवाइस लीजिए या कोई आसपास पड़ोस की डिवाइस ले लीजिए जिससे कि ट्रांजेक्शन ना हुए हो, शायद आपका पैसा निकले। तो उस माध्यम से लगभग कुछ लोगों का पैसा निकला, ठीक है, जिनकी डिवाइसें नहीं ब्लॉक थी, नई डिवाइसें उन्होंने ली, ठीक है, पैसा फंसाया और नई डिवाइसें ली और पैसा तो निकलना चालू हुआ, लेकिन 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन, कुछ लोगों का तो कुछ ही दिन निकला, कुछ लोगों का 20-25 दिन पैसा निकला, लेकिन फिर से डिवाइसें ब्लॉक हो गई। तो उस स्थिति में क्या करें? एक बंदा मान लो 2500 या 3000 3500 पैसे फंसाता है, 5-10 दिन काम होता है, तो क्या फ़ायदा है इस प्रकार से? तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के जैसे ही नज़रों में आपका सीरियल नंबर आता है, फिर से वो ब्लॉक कर दिया जाता है, तो न्यू डिवाइस लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है अब। तो अब शॉर्टकट तरीका क्या है जिससे हमारा पैसा निकलेगा, तो बताना चाहूँगा। ये हम सब लोगों की कोई समस्या नहीं है। लोग कहते हैं कि फ्रॉड कर रहे हो, फ्रॉड भी हम नहीं कर रहे हैं कुछ। तो दोस्तों, जैसे कि हम दूसरा लोग तो एपीएस से पैसे निकालते हैं, मान ली स्पाइस मनी या पेवर्ड या जो भी आप आईडी चला रहे हैं, जैसे रेपी पे, ठीक है, जिसके जिस थ्रू भी आप पैसे निकाल लें एपीएस के माध्यम से, हमारा हमारा तो बंद ही है। यहाँ तक जो सीएसपी पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो खुद परेशान है। हमने उनसे बात की, क्या आप पैसे निकाल रहे हैं? अगर उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी बहुत परेशान है इस इशू से, लेकिन उनको यहाँ वो सीआईएफ नंबर होता है, सीआईएफ नंबर से वो पैसे निकाल सकते हैं, तो उनका पैसा निकल आता है हालांकि, लेकिन एपीएस से नहीं निकल रहा उनका भी। तो जो बड़ौदा का एपीएस होता है, उससे उनका भी पैसा नहीं निकल पा रहा। जो सीएसपी पॉइंट जो मिनी ब्रांच जो शाखा लिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या। तो पैसा कैसे निकलेगा? एक हमने देखा कि एक बार हमने कुछ भीम आधार पे नाम सुना होगा, तो भीम आधार पे के माध्यम से पैसा निकल आता। हमने एक ट्रांजेक्शन किया जो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, फेल्ड हो गया, बट हमने भीम आधार से जैसे ही किया तो पैसे उनका निकल रहा है। तो आप भी एक बार कोशिश कीजिएगा भीम आधार पे से, जैसे स्पाइस मनी में, पेवर्ड में या रेपी पे या जो भी आप आईडी चला रहे हैं उसमें भीम आधार पे दे रखा होगा। भीम आधार पे एक जगह ऑप्शन होता है एपीएस के ही थ्रू, जैसे एपीएस से पैसे निकलते हैं वैसे ही उसमें भी पैसा निकलता है, लेकिन उसका आपको अलग से एक चार्ज देना पड़ता है। जैसे आप 10,000 किसी का पैसा निकालते हैं, तो 29 रुपये 50 पैसा आपके वॉलेट से कट जाएंगे, वो 10,000 से माइनस होगा, ना कि कस्टमर के ग्राहक से। जैसा कि आप अभी देखेंगे, हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डर लाइव दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि पैसा आप एक नई डिवाइस लीजिएगा, नई डिवाइस से करके देखिएगा तो आपका पैसा निकलने लगेगा। तो लोगों के कमेंट आए कि नई डिवाइस हमने ली, पैसा भी निकल रहा था, निकला, लेकिन कुछ दिनों तक निकला, मान लिया 15 या 20 दिन या 10 दिन लोगों का पैसा निकला, फिर वही समस्या, सस्पेक्टेड फ्रॉड, मोर देन 30 मिनट, वही 30 मिनट वाला इरर आना शुरू हो गया। तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या करें? तो हमने देखा कि एपीएस से हम पैसा विड्रॉल कर रहे थे, लेकिन एपीएस से नहीं निकल रहा था पैसा। फिर हमने आधार, भीम आधार पे से हमने ट्रांजेक्शन किया, तो लोगों का भीम आधार से अगर हमने ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो आप भी एक बार देखिएगा भीम आधार पे से ट्रांजेक्शन करके, शायद लोगों का पैसा निकल जाए। तो आप देख सकते हैं लाइव ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हम आपको दिखा रहे हैं, वॉलेट हिस्ट्री में जाके एपीएस से ये हमने 3,000 का पैसा निकाला था, जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया था 15 दिसंबर को। तो ये 3,000 का हमने ट्रांजेक्शन किया था जो फेल्ड हो गया था, ठीक है, ये फेल्ड है, लेकिन हमने कल ही भीम आधार आधार पे से हमने ये कल 10,000 का ट्रांजेक्शन किया जो सक्सेस है। देख सकते हैं आप, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस विजया बैंक प्लस देना बैंक, तो ये हमने 10,000 का ट्रांजेक्शन किया था जो सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही बेड न्यूज़ ये है कि अगर आप भीम आधार पे से अगर किसी का भी पैसा निकालते हैं, तो उसमें आपके जो वॉलेट से चार्ज काटा जाता है। तो हमने 10,000 पैसा निकाला,
लेकिन 29 रुपये 50 पैसे, जो कि YBL आधार पे MDR चार्ज हमारे वॉलेट से काटा गया है, ना कि कस्टमर के खाते से पैसा नहीं कटेगा। ये आप 10,000 जो निकालते हैं उसी में से 29 रुपये 50 पैसे माइनस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बुरी खबर है। तो ये MDL चार्ज काट लेता है, तो दोस्तों ये आपको कस्टमर से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। कस्टमर को बताइएगा कि हमारा इतना रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कट रहा है, वो भी हमारे वॉलेट से, तो आपको देना होगा, ठीक है। तो आप कस्टमर से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार आप भी देखिएगा भीम आधार पे से कि पैसा आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। भीम आधार पे से आप भी एक बार कोशिश कीजिएगा, अगर पैसा आपका निकलता है तो कमेंट में ज़रूर हमें लिख करके बताइएगा, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी लोगों का भी पैसा निकलने लगेगा, लेकिन लोगों से इस पे चार्ज आपको अधिक पैसे लेना होगा। मान ले आप 10 लेते हैं तो 15 ले लीजिए, कोई बात नहीं। जैसे आपको अर्जेस्ट हो उस हिसाब से आप इसका रख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, भीम आधार पे से किस प्रकार से पैसा निकल रहा है। तो भीम आधार पे से आप भी एक बार कोशिश कीजिएगा, शायद पैसा आपका भी निकल आया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके भी द्वारा पैसा निकलेगा, लेकिन कुछ चांस हैं। कुछ लोगों का होता है भीम आधार पे बना होता है, तो भीम आधार पे से पैसा निकल आते हैं कुछ कस्टमरों का। तो आप भी प्रयास कीजिएगा, शायद लगभग सभी का बना होता है। अगर है बना हुआ है भीम आधार पे से, तो आपके भी कस्टमरों का पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। एक बार आप भी कोशिश कीजिए, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, चार्ज ज़्यादा लगता है, थोड़ा चार्ज वॉलेट से कट जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप कस्टमर को समझाइएगा। अगर कस्टमर की आवश्यकता होगा, कस्टमर को ज़रूरत होगी, तो वो ज़रूर आपको चार्ज देगा, वो आपके पैसे जरूर आपसे पैसे ज़रूर निकलवाएगा। तो यही थी हमारे इस वीडियो में जानकारी। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी मदद मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।